मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विपक्ष द्वारा आज किए गए वॉकआउट पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से बिना बजट के सैकड़ों संस्थान खोलकर जनता को भ्रमित किया है, उसी तरह अब झूठी बयानबाजी कर सदन को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। सुबह हुआ तो समझ ही नहीं आया हमको, अगर मुझसे मिलने आना था तो दरवाजे के बाहर क्यों बैठ गए, तो मेरे पास सीधे ही अंदर आ जाते। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बाहर आके नारे लगा रहे थे। अच्छी बात है, नारा लगाना लोकतंत्र का एक विपक्ष का हथियार है, उसमें हम कोई उनका विरोध नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप मिल ऊपर विधानसभा के सभागार में आप झूठी स्टेटमेंट देते हो, जिस तरह आपने संस्थान खोलने में लोगों को ठगा है, उस तरह आप सभागार में आकर झूठी स्टेटमेंट देते हो कि हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें सच बोलना चाहिए, यही हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सदस्यों को विधानसभा की गरिमा बनाए रखने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की भी सलाह दी है।